नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी आर्ट पे। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की बात की जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स और उससे उत्तर प्रदेश से जुड़ी योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं परीक्षा के लिए। तो आपकी आने वाली परीक्षाएं, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे कोई भी हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा, उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने साल भर के जो मेन इवेंट है वो कवर किए हैं। एक दो वीडियो ऐसे और आएंगे और आपका पूरा तैयार हो जाएगा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। इसके साथ साथ इसमें जो बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं इस साल चली हैं पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उनको भी इसमें कवर किया गया है। तो आप नोट्स प्रिपेयर करें, वीडियो पूरा देखें और लास्ट में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। लखनऊ के हजरतगंज चौरा, बहुत नाम परिवर्तित हुए हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, उसी प्रकार हजरतगंज चौराहे का नाम भी बदला गया है। लखनऊ में है हजरतगंज चौराहा, तो उसका नाम अटल चौक रखा गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा गांव अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत पूरा डिजिटल हुआ है? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम थी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम से। उसमें यह था कि सारे ग्राम पंचायतें हैं जो पूरे भारत की, उनको जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल के तहत जोड़ना है। तो इसके तहत अमेठी का पिंडारा ठाकुर गांव पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। वहाँ पे कम से कम 250 गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन एक्सेस की जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2019 का प्रवासी भारतीय दिवस कब और कहाँ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स या इवेंट्स की बात की जाए तो ये 21 से 23 दिसंबर जनवरी सॉरी माफ करना 21 से 23 जनवरी 2019 को वाराणसी में होगा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। और इसका थीम होगा रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग ए न्यू इंडिया। ओके, तो ये प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है? प्रवासी भारतीय दिवस जो है अटल सरकार की टाइम से मनाया जा रहा है, तो ये 15वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा दोस्तों, ठीक है, 15वां। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं तो इस सम्मेलन में आते हैं और यहाँ पे उनको सम्मानित किया जाता है। और बहुत से बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं जो भारतीय मूल के, वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये पहले हर बार 9 जनवरी को कुछ सालों से हो रहा था, क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी भारत में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से लौट के, ठीक है, 9 जनवरी को, तो इसलिए उनके दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन अभी इस बार ये 21 से 23 जनवरी को होगा, क्योंकि शायद कुंभ की वजह से इसकी डेट को आगे खिसकाया गया है। नेक्स्ट है कृष्ण कुटीर क्या है? हाँ, कृष्णा कुटीर एक जो है आपका एक शेल्टर है, ठीक है, रहने का स्थान। 1,000 असहाय महिला जो है, विधवा महिला, वहाँ पे रह सकती हैं वृंदावन मथुरा में, ठीक है। इसमें क्या किया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री जो केंद्र सरकार में श्रीमती मेनका गांधी हैं, उन्होंने इसकी जो है आधारशिला वहाँ पे रखी और ऑलमोस्ट बन के तैयार भी हो गया है, ठीक है। 1,000 असहाय विधवा महिलाएं रहेंगी। इसी प्रकार का एक शेल्टर और वाराणसी में भी खोला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं FEFIR या डायल FIR योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इस प्रकार EFIR से आप ये समझ जाओ कि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आप ऑनलाइन FIR कर सकते हो। आप डायल FIR का मतलब आप फ़ोन करके सीधा FIR कर सकते हो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है किसी पुलिस स्टेशन पे। और इस प्रकार का FIR दर्ज करवाने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश पूरे भारत का। और 22 प्रकार की उसमें शिकायतें आप कर सकते हो, ठीक है। 22,000 से भी ज़्यादा इसमें उसमें क्रिमिनल्स के नाम वाम सब दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा है EFIR योजना, याद रखना। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अभी इसमें काम स्टार्ट होने वाला है ऑफिशियली। तो इसका नाम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम जो है अटल पथ होगा, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसका नाम अटल पथ होगा। 298 किलोमीटर का ये हाईवे होगा, एक्सप्रेसवे, जो झांसी से चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, औरैया, जालौन और इटावा के पास जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसमें ये मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट इस साल का योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। ये योजना क्या है एक्चुअली कि एक जो आपके MSME सेक्टर है, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज,
जो आपके अति लघु उद्योग, लघु उद्योग और छोटे उद्योग, मझोले उद्योग होते हैं, इनको जो है प्रोत्साहन करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना 10 अगस्त को लॉन्च की गई है। रामनाथ कोविंद ने इनको, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया। इसके तहत क्या होगा कि आपकी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है शहरों की, जैसे कि मान लो किसी शहर में दिया सलाई बनाई जाती है, किसी शहर में चूड़ियाँ होती हैं, फिरोजाबाद में, जैसे किसी शहर में पेठा होता है आगरा में, तो इन सब प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो इंडस्ट्री शामिल होती है वो माइक्रो या एमएसएमई सेक्टर ही इसमें इन्वॉल्व होता है, तो उनको लोन दिया जाएगा। ठीक है, और क्या किया गया है, अमेजन, जो अमेजन डॉट इन है आपकी ई कॉमर्स कंपनी, उसमें जो है ना उसके साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक समझौता हुआ है कि ये प्रोडक्ट जो है अमेजन के थ्रू ऑनलाइन भी बेचे जाएंगे। तो इस स्कीम का नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक एक जिले के नाम पे एक एक प्रोडक्ट जो है फेमस किया जाएगा। नेक्स्ट है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ में 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और योगी आदित्यनाथ ने इसको लॉन्च किया। इसमें और भी ज़िले हैं काफ़ी, जैसे आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, और ये काफ़ी ज़िले हैं जो एज डिफेंस कॉरिडोर में सम्मिलित हैं। वैसे इसको अलीगढ़ से लॉन्च किया गया। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गाजीपुर में खोला गया है। ठीक है, गाजीपुर में, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार बिजली चोरी करने के लिए क्या उपाय करेगी। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार बिजली चोरी करने के लिए सभी जिलों में एटलीस्ट एक एक पुलिस स्टेशन खोलेगी, जो वो पुलिस स्टेशन सिर्फ बिजली चोरी होने वाले केस को ही मतलब डील करेगा। हर एक जिले में इस प्रकार का एक पुलिस स्टेशन होगा जो बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। नेक्स्ट है शिशु स्वागत केंद्र, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो है सारे गवर्नमेंट अस्पतालों को और जो अनाथालयों हैं उनको जो है ऑर्डर दिया है कि वहाँ पे एक शिशु स्वागत केंद्र या पालना, ठीक है, होना चाहिए। तो ये है क्या, बेसिकली बेसिकली ये है कि बहुत लोग अपने बच्चों को रोड में छोड़ आते हैं, अनवांटेड जो बच्चे होते हैं उनको छोड़ आते हैं, तो वो रोड में ना छोड़ें, इन पालना और शिशु स्वागत केंद्रों पर जाके छोड़ दें, ताकि उनका पालन पोषण हो जाएगा और जिन लोगों को एडॉप्ट करना है बच्चा तो प्रॉपरली एडॉप्ट कर लेंगे और ये गैप भी कम हो जाएगा। अभी गैप एक बढ़ गया है काफ़ी, एडॉप्ट करने वाले लोग काफ़ी होते हैं लेकिन बच्चे कम मिल पाते हैं, इस टाइप का सरकार कहना है कि इसमें गैप भी है तो उनकी भी कमी पूरी हो जाएगी। तो ये है पालना। नेक्स्ट एक और योजना, गंगा हरितमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। गंगा हरितमा योजना 27 जिलों में, गंगा के किनारे जो 27 जिले हैं उन पे लागू की गई है। तो इसी से आप जान जाओ, गंगा हरितिमा, तो मतलब हरित से मतलब है, हरित का मतलब पेड़ पौधे। तो गंगा जैसे ये जा रही है तो गंगा के किनारे एक एक किलोमीटर दोनों साइड में पेड़ पौधे लगाने की ये योजना है, वृक्षारोपण की। ठीक है, इस प्रकार से पूरा हरित करना, ये है गंगा हरितिमा योजना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक बटरफ्लाई की जो स्पीसीज हैं उनको आकर्षित करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए कानपुर में इस प्रकार का एक पार्क खोला गया है। इसमें 100 से ज़्यादा फूल लगाए गए हैं, 100 से ज़्यादा प्रजातियों के फूल लगाए गए हैं और ऑलरेडी इसमें 50 से ज़्यादा प्रजातियों की तितलियाँ आ चुकी हैं अभी। ठीक है, तो ये काफ़ी एक सफल योजना है। नेक्स्ट है दस्तक कैंपेन। हाँ, दस्तक कैंपेन क्या है, तो दस्तक कैंपेन दोस्तों उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है जेई और एईएस को ख़त्म करने के लिए। तो जेई क्या है, जेई है जापानीज इंसेफलाइटिस यानी कि जापानी बुखार, ठीक है, और एईएस है एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम। तो इन दो जो बुखार हैं इनके जो सिंड्रोम्स, इनको ख़त्म करने के लिए यूनिसेफ की मदद से उत्तर प्रदेश सरकार ने दस्तक कैंपेन चलाया है। ओके, तो एग्ज़ाम में आएगा तो इसी प्रकार से आएगा कि दस्तक कैंपेन किससे संबंधित है, तो जेई एंड एईएस से संबंधित है। जेई अगर ना लिखा हो, जापानी बुखार लिखा हो तो वो भी सही है, या जापानी जापानी जिनसे फ्लाइटिस भी लिखा हो तो वो भी सही है। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य उत्पादों के बेचने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। तो अभी अमेजन के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथ मिलाया है कि खाद्य उत्पादों को ऑनलाइन बेचा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यूपी इन्वेस्टर समिट, सबसे बड़ा इवेंट उत्तर प्रदेश सरकार का इस साल का, जो 20 फरवरी 18 को हुआ। तो उसके तहत जैसे गुजरात में
वाइब्रेंट गुजरात समिट, जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उस समय वाइब्रेंट गुजरात समिट यहाँ पे हुआ करता था। तो उसमें क्या था कि जितने इन्वेस्टर्स होते थे देश विदेश के, उन सबको बुला के वहाँ पे, और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उन पे डील करते थे, और करते थे कि हाँ हम अपने राज्य में ये आपको सुविधाएं मुहैया कराएंगे, यहाँ पे अपना उद्योग व्यापार स्थापित करो। तो इसी प्रकार उसी के तर्ज पे यूपी में भी इस टाइप का पहला इन्वेस्टर समिट हुआ है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में। तो 20 फरवरी 2018 को ये समिट हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, लखनऊ में हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिख लेना। और पहली बार हुआ, योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पहले ही दिन करीब 1045 प्रोजेक्ट में हस्ताक्षर हुए, और 4.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये है कि ये याद रखना कि मतलब हुआ कहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। तो हुआ लखनऊ में आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बहुत बड़ा समिट था। नेक्स्ट बात करते हैं निवेश मित्र। हाँ, ये एक पोर्टल है निवेश मित्र। इसके तहत अगर आपको यूपी में व्यापार करना है या कुछ भी इन्वेस्ट करना है, तो उसको ऑनलाइन आप कर सकते हो। उसमें मतलब ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपका जो क्लियरेंस होगा वो ऑनलाइन डिजिटली मतलब मिल जाएगा पूरा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं निवेश मित्र पोर्टल था, या निवेश मित्र योजना मान लो, ठीक है। और इस प्रकार का काम करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है कि किसी प्रोजेक्ट या व्यापार को क्लियरेंस देने के लिए ऑनलाइन किया हो, जिसने, भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ हुआ। तो दोस्तों 22वां नेशनल यूथ फेस्टिवल इस साल ग्रेटर नोएडा में हुआ। कब हुआ? 12 से 16 जनवरी को हुआ, 12 से 16 जनवरी 2018 को हुआ। और इसकी थीम क्या थी? संकल्प से सिद्धि, ठीक है। नेशनल यूथ फेस्टिवल संकल्प से सिद्धि कहाँ हुआ था? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो योजना से पता चल रहा है, एक तो आवास योजना है, दूसरी ग्रामीण है, तो गांवों के लिए ही है। तो इसके तहत क्या किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाए जाने में सरकार उनको मदद करेगी, करीब 1,20,000 रुपये की मदद करेगी। किसको? जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिला है, ठीक है, और दूसरे वो लोग जिनको किसी भी आवास योजना में फ़ायदा नहीं मिला है, ठीक है, तो उनको जो है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास बनाने में 1,20,000 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, और 1,30,000 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, और 1,20,000 नॉर्मल क्षेत्रों में उनको मदद दी जाएगी। नेक्स्ट है महेसरा ब्रिज। तो महेसरा ब्रिज गोरखपुर और नेपाल के बीच में बना है, 29 जनवरी को उसका उद्घाटन हुआ था। तो इससे जो गोरखपुर के आसपास के जो ज़िले हैं, बलरामपुर हो गए और तमाम ज़िले हैं जो, उसमें काफ़ी दूरी कम हो जाएगी। तो ये गोरखपुर और नेपाल के बीच में महेसरा ब्रिज। विश्व अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ था? तो इस साल अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव हुआ था दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, जो आपके लखीमपुर और पीलीभीत जिले में है, दुधवा नेशनल पार्क, वहाँ पे हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव। नेक्स्ट है कृषि कुंभ। इस साल यूपी गवर्नमेंट के 3 मेन इवेंट हुए थे, एक तो हुआ था यूपी इन्वेस्टर समिट, दूसरा आपका कृषि कुंभ, और एक तीसरी योजना थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो कृषि कुंभ भी उसी प्रकार से इम्पोर्टेंट है। 26 अक्टूबर अभी अभी लखनऊ में जो है इसका आयोजन हुआ था, ग्लोबल फार्मर समिट के नाम से भी इसको जाना गया। ओके, 75 जिलों के चुनिंदा किसान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कृषि वैज्ञानिक, ठीक है, सब यहाँ पे आए और सब चीज़ें हुई, ठीक है। तो कृषि कुंभ कहाँ हुआ? 26 अक्टूबर को लखनऊ में। इसको ग्लोबल फार्मर समिट भी अगर आए तो गलत मत करना, ठीक है, वही कृषि कुंभ है। तो ये था इसका पार्ट 1, और भी कुछ चीज़ें जो बच रही हैं उनको कवर कर दूंगा मैं एक दो पार्ट में, मोस्टली कल तक परसों तक हो जाएगा, तो यूपी का भी आपका क्लियर हो जाएगा, और बाकी तो करंट अफेयर्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो शेयर करें जो अपने दोस्तों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।